Assalamu alaikum, namaste, sasri akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me, Saima Pirzada, and you are watching Saima Pirzada Reaction Channel. तो कैसे हैं आप लोग? So दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया. इंडिया मेरा भारत महान. So इस वीडियो को आज हम लोग देखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें गाइस हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चलने वाले हैं रिगार्डिंग इंडिया. तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो ज़रूर देखना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट. और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कर लें कि आप ओरिजिनल कंटेंट भी देखें. बाकी रिएक्शन चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहें और आप हमारे यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाएँ. सो गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं मेरा भारत महान. सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. भारत गरीब, करप्ट, रूढ़िवादी, गद्दारवादी और जगह जगह गंदगी फैलाने वालों का देश, सपेरों का देश, छोटी छोटी बात पर सड़क पर आकर मारकाट मचाने वालों का देश, चम्मच कांटे की बजाय हाथ से खाना आने वालों का देश, अपनी कामुकता पर काबू न कर पाने वाले मर्दों का देश, शौच के लिए खुले मैदान में जाने वालों का देश. यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, खाने में मिलावट है, निरक्षरता है, हवा में प्रदूषण है, पीने के लिए स्वच्छ पानी तक नहीं है. जी हां, कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं विदेशी हमारे भारत के बारे में. विदेशी तो छोड़िए, खुद भारतीयों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता. चाइना, जापान, अमेरिका को देखो, ये कितने विकसित हैं, कितना आगे हैं. लेकिन तुलना करने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए. इनमें से कोई देश 200 साल गुलाम नहीं रहा. इन 200 सालों में अंग्रेज सब कुछ तो लूट कर ले गए थे. सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश हमें 1947 में बिल्कुल कंगाल स्थिति में मिला. एक बार सोच कर देखिए, आजादी के वक्त का जब हमें देश चलाने की जिम्मेदारी मिली, दूर दूर तक के गांव में पढ़ा लिखा तो छोड़िए, नाम लिखने लायक आदमी नहीं मिलता था. किसे डॉक्टर, टीचर, कलेक्टर आदि बनाए, फिर भी इतनी घोर विपरीत परिस्थितियों में देश का संविधान बना और एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया. बढ़ती जनसंख्या और लिमिटेड संसाधन के बावजूद अगर आज हम दुनिया की चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल है तो आपको गर्व करना चाहिए. कमी हर देश में होती है. अमेरिका जैसा विकसित देश भी नस्ल भेद जैसी स्थिति से आज भी जूझ रहा है. भारत की सांवली रंगत पे संसार हंसता हो, मगर इसकी सांवली रंगत के पीछे सोने जैसी काबिलियत छिपी है. हमारे पहनावे, हमारे रहन सहन, हमारे कल्चर का बेशक मजाक उड़ाया जाता हो, मगर भारत आज भी दुनिया का गुरु है. यकीन मानिए दोस्तों, ये दुनिया जल्दी ही आएगी भारत की तरफ कुछ नया और अच्छा सीखने के लिए, ये जानने के लिए कि कैसे इतनी परेशानियों के बावजूद भारत बना सुपर पावर. ये वही देश है जहां देश को देश नहीं मां समझा जाता है. चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की उन महानताओं के बारे में बताएंगे जिससे दुनिया को सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए. लेकिन शुरू करने से पहले, जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले. सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये भारत ही है जो साथी हाथ बढ़ाना के सिद्धांत पे चलता आया है. ये भरे पेट वालों की तरह आज भी नहीं गर रहा था. जी हां, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. ये सबको साथ चलने का सबक देता है. अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत 56 देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और भारत सबसे ऊंचे पायदान पर काबिज है. यहाँ चुनाव बड़े विहंगम तौर पर निष्पक्ष व स्वतंत्र होते हैं.
हम ही हैं विश्व में जिसने 2014 में सबसे बड़ा चुनाव ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 814 मिलियन लोग वोट डालने के काबिल थे, जो यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। सबको साथ लेकर चलने का दम अगर दुनिया में किसी के पास है तो वो सिर्फ भारत में है। तो गर्व से कहो, मेरा भारत महान। पढ़ने की काबिलियत। रही तालीम की बात तो भारत पढ़ने पढ़ाने में भी अपनी जबरदस्त हैसियत रखता है। एनओपी वर्ल्ड कल्चर स्कोर इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि भारत सबसे अधिक पढ़ने वालों का देश है और दुनिया में सबसे आगे है, जबकि अमेरिका 22वें पायदान पर है। एक हफ्ते में यहां लोग 10.4 घंटे की औसत से पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, फिर वो चाहे अखबार ही क्यों ना हो। घंटों पढ़ाई का आप यह नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ के लेखक, डॉक्टर, वैज्ञानिक विश्व स्तर पर अपनी हैसियत रखते हैं। यहाँ तक कि गूगल, नासा जैसी जगहों पर भी भारतीयों की काबिलियत का लोहा माना जाता है। तो गर्व से कहो, मेरा भारत महान। संस्कार। यहाँ आहार की कमी तो हो सकती है, लेकिन संस्कार की कमी बिल्कुल नहीं है। हाँ दोस्तों, संसार को अगर संवेदना, जज्बात, इमोशन का पाठ कोई पढ़ा सकता है तो वो है भारत। बाहरी मुल्कों में जहां इंडिपेंडेंट होने की तर्ज पर टीनेजर, किशोर, लड़के लड़कियां जहां घर की सीमाओं को लांग जाते हैं और अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं रखते, जहां माँ बाप से मिलने के लिए भी फादर और मदर डे मनाया जाता है, ऐसी अलगाववादी संरचना से लाख बेहतर है हमारा संयुक्त परिवार, हमारा संस्कार, जहां खटपट भले ही हो लेकिन प्यार, केयरिंग और अपनापन जैसा यहां है वो दुनिया के किसी देश में नहीं। भारत अपने से बड़ों का सम्मान, उनके प्रति आदर, उनके लिए फिक्र करना सिखाता है। तो कहो, बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार देने वाले देश के लिए मेरा भारत महान। कम संसाधन में बेहतर रिजल्ट। अपने ही देश में अंग्रेजी जुबान का दम भरने वालों, भारत ने ऐसे ऐसे उपकरण, आविष्कार विकसित किए जो कम से कम लागत में बने और संसार को पाठ पढ़ा गए। इसरो से पूरे विश्व को सीख लेनी चाहिए। भ्रष्ट नेताओं के पैसे खाने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, उतने में तो भारत अंतरिक्ष के ग्रहों के चक्कर लगा आता है, जिससे ज्यादा पैसे तो फिरंगी ग्रेविटी जैसी फिल्म का निर्माण करने में खर्च कर देते हैं। वो भारत ही है जो एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। ये बात बेमिसाल है, लाजवाब है। ये भारत ही है जो फिजूल खर्ची की जगह जुगाड़ जैसे टिप्स को प्राथमिकता देता है। दबे होठों से ही सही, दुनिया भारत को सुपर पावर कहने पे मजबूर है। क्यों, सही बोला ना। गर्व से कहो, मेरा भारत महान। मानवता का पाठ। जब दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश मानवता को तार तार कर शरणार्थियों को अपने देश में घुसने नहीं देते, तब भारत लाख गमों के बावजूद मेहमान का स्वागत मुस्कुरा के बाहें फैलाकर करता है और दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाता है। हमने आज तक किसी शरणार्थी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल का माहौल थोड़ा खराब है। संसार भारत से मेहमान नवाजी सीख सकता है, जो भारत के खून में ही है। अतिथि देवो भव नाम का पाठ भारत ही पढ़ाता है। एक क्षमादान जैसी भावनाओं से भरा हुआ है। भारत कभी भी दूसरे देशों की सरहदें नहीं लांघता, बेवजह उत्पात और खुरंजी में यकीन नहीं करता, ना ही अपनी तरफ से कभी पहले हाथ उठाता है, जबकि बहादुरी में ये सबसे आगे है। इतिहास उठाकर देख लो, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने में पहल करता है, मगर धोखा देने वालों को जहां माफ करना जानता है तो उसे पटकनी देना भी जानता है। गर्व से कहो, मेरा भारत महान। शौच करने का सही तरीका। अरे, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करने वालों, उकड़ू बैठकर राहत पाने का सबब भारत की ही देन है, जिसे गाहे बगाहे दुनिया आज मानती है। पेट साफ करने की ये उकड़ू बैठने की प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, जबकि अन्य देश सीट पे बैठते ही सियर उठते हैं। यहां पानी का इस्तेमाल, वहां कागज का।
वेस्टर्न सीट पर बैठकर पेट साफ करने से कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे बवासीर, पथरी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कब्ज, क्योंकि इस क्रिया में रेक्टम पर दबाव पड़ता है और पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता। यही वजह है कि अमेरिका जैसा देश भी इस बात से सहमत है कि इंडियन सिटिंग स्टाइल सबसे बेहतर है। इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना खुद में एक एक्सरसाइज है। इंडियन टॉयलेट में उठना बैठना और हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जबकि वेस्टर्न टॉयलेट में जहां बहुत ज़्यादा आराम तलबी होती है और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो पाता, वेस्टर्न टॉयलेट में ज़्यादा पानी बर्बाद होता है, बावजूद इसके हाइजीन की कोई गारंटी भी नहीं होती। इंडियन टॉयलेट की बनावट इस तरह की होती है कि आपके शरीर को कमोड से कोई सीधा संपर्क नहीं होता, जिससे कीटाणुओं को फैलने का खतरा नहीं रहता। तो गर्व से कहो, मेरा भारत महान। सहिष्णुता। भारत वही देश है जिसके बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ की महिलाओं की जिंदगी दुबर है या महिलाएं सेफ नहीं है। दूसरे देशों के साथ साथ हमारे खुद के देश के कुछ अभिनेता, जिन्हें हमने सर आंखों पर बैठाया, वो सोचते हैं कि यहाँ गैर हिंदू व्यक्ति का रहना दुभर है। भारतीय असहिष्णुता में यकीन रखते हैं, उन्हें भारत में डर लगता है। तो ऐसी सोच रखने वाले चपूतियों को कौन समझाए कि अगर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कुछ इक्का दुक्का हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ सब ऐसे ही है, और अगर ऐसा होता तो आज आप उस मकाम पर होते ही नहीं। यहाँ अभिनेताओं को भी पूजा ना जाता, आपके घरों के बाहर आपकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठी ना होती। भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो दुनिया के किसी देश को तो छोड़िए किसी इस्लामिक देश तक में नहीं है। यहाँ हर त्यौहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाए जाते हैं। महिलाओं की बात करने वालों को बता देना चाहता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 17 साल तो यहाँ एक महिला ने प्रधानमंत्री बनकर शासन किया, जबकि अमेरिका तो 243 साल बाद भी अपनी पहली महिला प्रेसिडेंट का मुंह देखने के लिए तरस रहा है, जबकि भारत के 14 में से 5 प्रेसिडेंट तो गैर हिंदू रह चुके हैं। हम वही हैं जो कलाम साहब का हाथ पकड़ के पावरफुल मिसाइल का निर्माण कर बैठते हैं। हम खामोशी से परमाणु परीक्षण भी करते हैं और साथ ही संसार को अहिंसा और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। दुनिया को भारत की विविधता में एकता से सीख लेनी चाहिए। गर्व से कहो, मेरा भारत महान। इवेंट मैनेजमेंट। भारतीयों से बेहतर इवेंट मैनेजमेंट भला कौन कर सकता है। हमने 2013 में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जितनी तो बहुत से देशों की पूरी जनसंख्या तक नहीं होती, उन्हें एक इवेंट में एक ही जगह बेहतर और शांतिपूर्ण ढंग से मैनेज किया, जिसे कुंभ मेला कहते हैं, जिसे हम सदियों से मैनेज करते आए हैं। इस साल तो लगभग 15 करोड़ तक यह आंकड़ा जा सकता है। दुनिया को सोचने की जरूरत है कि इतना बड़ा इवेंट बिना किसी हादसे के शांतिपूर्ण तरीके से सदियों से कैसे मैनेज होता है। गर्व से कहो, मेरा भारत महान। अनेकता में एकता। भारत देश के त्योहार, रीति रिवाज, उत्सव जिंदादिली का प्रतीक है और यही नजारे संसार को अचंभित करते हैं, शांति और खुशहाली का पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ इत्र, लोबान, अगरबत्ती की खुशबू से आत्मा भाव विभोर हो जाती है। जितनी विविधता हमारे देश में है उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं, जितने विविध धर्म भारत में है उतने किसी और देश में नहीं मिलेंगे। सभी धर्म हमारे देश में पावन माने जाते हैं और शांति का संदेश देते हैं। जो सुकून, जो आध्यात्मिकता, जो परमानंद मेरे देश में है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यहाँ 22 ऑफिशियल भाषाओं के साथ लगभग 1600 दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। यही वजह है कि लगभग भारत में हर व्यक्ति एक से ज्यादा भाषा जानता है और बोलता है, जो कि विश्व के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा। इतने अनेकता के बावजूद हम सभी सदियों से एक है और रहेंगे। गर्व से कहो, मेरा भारत महान। बचत। बचत वही समझता है जिसे धन्य का मूल्य पता हो। हम भारतीय ही हैं जो लगभग हर चीज को दोबारा किसी उपयोग लायक बना देते हैं, चाहे फिर वो किसी कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल हो या पुराने कपड़े। हम चीजों का बेहतर उपयोग करना जानते हैं। जुगाड़ से हम भारतीय बड़े से बड़ा काम बहुत कम लागत में आसानी से कर लेते हैं। इसमें आपको शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए, क्योंकि द लेसर यू वेस्ट
द लेसर यू नीड इन योर लाइफ। शर्म से नहीं, गर्व से कहो, मेरा भारत महान। भारत संसार को मोहब्बत का पाठ भी पूरी शिद्दत से पढ़ाता है कि नहीं? दुनिया को शून्य देने वाला भारत रिश्तों की खोखली दरारों को भरने का सबक संसार को खूब दे रहा है, बशर्ते वो समझे तो। अगर यह नेतागिरी अपनी कमजर्फ आदत छोड़ दे तो भारत संसार के लिए एक देवदूत है। अमन ओ अमन की कुंजी है, भले ही जेब से हम गरीब हों लेकिन अमीरी हमारे दिल में कूट कूट कर भरी है। मुझे गर्व है कि मैं इस देश में जन्मा हूं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए जरा। तो यारों, दिल खोल के कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आखिर अपने देश की बात है। जय हिंद, जय भारत। है हमारा आज का वीडियो, जो कि मेरा भारत महान, और फखर से कहो, गर्व से कहो, मेरा भारत महान। सो गाइज, वीडियो में जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं वो वाकई में ही 100% उससे मैं एग्री करती हूँ। अब कुछ फ्रेंड्स कहेंगे कि भाई साइमा जो है वो क्योंकि पाकिस्तानी है तो वो भारत की जो है वो झूठी तारीफ कर रही है, या फिर वो फेक जो है वो रिएक्शन दे रही है। तो गाइज, सबसे पहले मैं वीडियो के बीच में इसलिए नहीं बोलती ताकि आप लोगों को या आवाज़ को म्यूट कर देती हूँ। उसके रीज़न ये होता है कि आपको वीडियो की बैक साइड पर जो शोर होता है या फिर वैसे ही खामोशी हो, मतलब कि कोई भी वीडियो के बीच में आवाज़ है तो वीडियो हो जाती है मतलब गड़बड़ हो जाती है, लाइक लोगों को सुनाई नहीं देता। जो सुनने वाले हैं, देख रहे होते हैं, तो व्यूवर्स को सही से सुनाई नहीं देता और बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि आप बीच में मत बोला करें। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ जो है वो, मतलब बोल तो रहती हूँ लेकिन मैं उसको म्यूट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे, क्योंकि एंड में तो हमने वैसे ही बात करनी होती है। तो मैं जो वीडियो के बीच में बोलती हूँ ना, वो लास्ट में भी बोल रही होती हूँ, इसे मैं ज़्यादा नहीं बोलती। सो खैर, आज के वीडियो में जो बात की गई है भारत के ऊपर, तो मैं सीरियस थी। ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं फेक रिएक्शन दूँ, फेक बातें करूँ। मैं बस यही कहूँगी कि यार देखो, इंडिया ने वाकई में ही रिस्पेक्ट दी है, अपनों से बड़ों की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इवन तो छोटों की रिस्पेक्ट करी जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और हमारे यहाँ पर रिस्पेक्ट सिखाई जाती है, और मुझे लगता है कि इतनी रिस्पेक्ट कभी भी किसी कंट्री में नहीं सिखाई गई होगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने देखा है कि कोई इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता अपने एल्डर्स की जितना हमारे यहाँ पर एशिया में किया जाता है। फर्दर अगर हम बात करें तो 1947 से पहले इतने सालों तक जो है वो इंडिया के ऊपर गोरों ने राज किया, उन लोगों ने सब कुछ लूट कर ले गए, सोने की चिड़िया किसी टाइम पर इंडिया को कहा जाता था, लेकिन गोरों ने इतने टाइम तक राज किया कि वो सब कुछ लूट कर ले गए। इवन दो उनको गुलाम बना के रखा, उनसे हर चीज़ का राइट उनसे छीन लिया उनकी अपनी ही कंट्री में। लेकिन अगर हम देखें तो अभी इतने कम समय में भी इंडिया ने जितनी डिवेलपमेंट की है, जितना अपने आप को आगे लेकर गया है, और आज सबके सामने एक सुपर पावर भी बना हुआ है, सबको मतलब कि किसी की बातों के अंदर नहीं आता, किसी के आज गुलाम नहीं है वो, और हर वो चीज़ कर सकता है। इवन दो अभी वीट लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, फिर वैक्सीन की बात आ गई, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया ने बनाई हैं और लोगों को दी हैं, और उन लोगों को दी हैं जो कभी गुलाम राज किया करते थे इंडिया के ऊपर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है, जो कि हमने इतनी सारी वीडियोज़ देखी हैं यार भारत के ऊपर, और मुझे लगता है कि कोई अंधा भी होगा ना तो उसने कानों से सुनना होगा तो वो भी बोलेगा कि वाकई में यार भारत ने इतनी डिवेलपमेंट की है, और जो डिवेलपमेंट करता है उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस नेशनैलिटी से हो और आप किस चीज़ को देख रहे हो, ठीक है ना। आपको सिर्फ अच्छे को ही अप्रिशिएट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठी तारीफ करूँ इंडिया की, बल्कि मैं एक अच्छे तरीके से मैं अच्छे को भी देख सकती हूँ, बुरे को भी देख सकती हूँ। सपोज दैट कि हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि भारत में टॉयलेट्स नहीं है, भारत में ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब फॉरनर्स आ जाते हैं, जो भी आता है तो वो वीडियोज़ बना के जाता है जहाँ पर कचरा होता है, जहाँ पर कोई ऐसी थोड़ी सी छोटी मोटी सी चीज़ देख लेते हैं तो वो इंडिया के ऊपर वो लोग इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स उठाना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो कभी भी अच्छी चीज़ नहीं दिखाते, बुरी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, और नॉर्मली मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन अगर हम यही सारी चीज़ें देखें तो दूसरा पहलू देखें तो यार हमने इतनी सारी वीडियोज़ देखी हैं,
तो या तो फिर वो झूठी हैं या फिर वो झूठे हैं जो जो फॉरेनर्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई बिलीव ये इंडिया काफ़ी डिवेलप हो चुका है और इंडिया का वो साइड कोई नहीं दिखाता जो एक्चुअली इंडिया अब है आज के दौर में। मतलब वहाँ पर वॉशरूम्स है, वहाँ पर एजुकेशन है, बेस्ट एजुकेशन है। इवन तो कहा जाता है कि जब एजुकेशन के लिए भारत में यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जब आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, तब जाकर वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर वो वहाँ पर जाते हैं। वरना नॉर्मली दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो होते हैं वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो इसके अलावा हमने एक और चीज़ जो देखी है, हर मज़हब को इन्होंने इक्वल रखा हुआ है, सबको राइट्स उनके मुताबिक उनको दिए गए हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और उसके साथ साथ हम देखें तो वहाँ पर हर चीज़ को बराबर रखा हुआ है। इनोवेशन की बात की जाए तो हर तरह की चीज़ें इनोवेट की गई हैं, जैसे शैम्पू हो गया, टॉयलेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने दुनिया को सिखाया है तरीका। मतलब गोरों को भी ये चीज़ नहीं पता थी जो कि इंडिया ने उनको करके दिखाई है। सो खैर, मुझे अच्छा लगा वीडियो गाइस, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, यहाँ का जो मतलब कि मुस्लिम्स भी वहाँ पर, हर मज़हब के लोग जो है ना वहाँ पर एक मतलब उनको हर जगह पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कल्चरल हिसाब से हो या किसी भी हिसाब से हो, उनको हमेशा उनको इक्वालिटी रखी है। बस बुरी चीज़ को टॉलरेट नहीं करते और सही चीज़ को हमेशा इक्वली आगे लेकर चलते हैं। और ये हमने देखा जब पद्मावती अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए लोगों को, तो उसमें हमने हर तरह के लोगों को वहाँ पर देखा। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि यार देखो, काफ़ी आगे बढ़ा है इंडिया और काफ़ी मतलब है, एक सीखना चाहिए लोगों को, इनके प्राइम मिनिस्टर से सीखना चाहिए, जो कि टू बी ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। गाइज, आपका क्या कहना है इसके बारे में, ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कीमती राय की इंतज़ार रहेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे ब्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।